हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ये है मॉर्निंग में चांद बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। तो रामपुर जा रहे थे, रामपुर जा रहे थे क्या, चले गए थे वो रामपुर। आज सवा सात हुआ है। वो जल्दी इसलिए गए क्योंकि उनको जल्दी वापस आना है। और ये पाला बहुत पड़ा है आजकल, ठंड जो है सुबह शाम बहुत ज़्यादा होती है। तो ये है मॉर्निंग व्यू और डेविड निकल चुके हैं और मैं भी जाती हूँ घर की तरफ को। और ये उस साइड से जो है सनराइज हो रहा है, इसलिए थोड़ी सी लाली सी छाई हुई है, मतलब बादल भी लाल लाल से दिख रहे हैं। और हमारा घर तो ऐसे शांत शांत लग रहा है सुबह सुबह। ठंड आजकल बहुत ही ज़्यादा, मतलब देख सकते हो आप कितना पाला पड़ा है। पाला इन दी सेंस की गर्मियों में जैसे घास के ऊपर ओस होती है, और सर्दियों में जो है घास पे बर्फ जैसी जम जाती है, उसको पाला कहते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो 11 बजने वाले हैं, 10:47 हो गए हैं। मैं व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ अभी से। आज मौसम बहुत ज़्यादा बादला, ठंड नहीं है, मतलब ठीक है। आज कुछ गुमसुम सा है मौसम, ना कोई हवा ना कुछ। तो मुझे थोड़ी सी लकड़ियाँ रहती थी उधर काटने को, थोड़ी सी मैंने कल काट दी थी। ये जो रखी है कल की, तो अब ये टफी, ये शौर्य। कहाँ जा रहे हो? आजो यहाँ देखो, मम्मा काम कर रहे हैं। आजो यहाँ देखो, लकड़ियाँ काटना हमने। शौर्य चल पड़ा है ऊपर शायद नलके के चक्कर में, पानी के साथ खेलने। आजो यहाँ देख, मम्मा कर रहे हैं यहाँ काम दराट से। हाँ देख, आजा। तो शौर्य के पापा सुबह चले गए हैं 7:07 बजे रामपुर, और अभी तो मेरे ख्याल से तकलीज से ऊपर आ गए होंगे वो। तो करते हैं काम, लकड़ियां काटने को है, इनको काट के फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। यार आजकल ना मैं अपने जो जो भी वीडियोस बनाती हूँ, व्लॉग्स बनाती हूँ, उनमें जो है ना बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं डाल रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है कॉपीराइट की प्रॉब्लम आ रही है मुझे, इसलिए। तो आप लोगों को जो है ना ऐसे ही झेलना पड़ेगा कुछ टाइम। मैं देखती हूँ कुछ करती हूँ, पर इतना टाइम नहीं लग रहा है कि मैं वैसे तो यूट्यूब वालों का जो म्यूज़िक होता है ना, तो वो भी लगा सकते हैं। उसमें मैंने सुना है कि कोई कॉपीराइट नहीं लगता है, पर मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि वो मैंने पहले भी ट्राई किया था, उस पर कॉपीराइट आया था। बाकी पता नहीं बाय मिस्टेक मैंने कुछ और कर लिया होगा। डेविड पहुंच गए रामपुर से शौर्य के लिए लाए बाइक। बेटू हट तो, पापा शौर्य बैठी हो रहा इतना खुश। बेटू। हाँ पीपी चाबू पकड़। यार की तो छूटे जो पैडल ही मारता भी नहीं, ये नहीं पहुंचता बेचारे ना, थोड़ा बड़ा वो था ना तब ठीक है। वो एक गाड़ी लगू 14,000 की। बेटू अगर 14 में 14 और डाले ना। पापा पीपी शाप, आप भी करेंगे अपनी पीपी शाप? एक कौन सी की कौन सी पीपी लाए पापा आपके लिए? पोज मार लाओ, बॉडी है जो अभी पोज। मैंने कहा ये भी खूब मारो तो कहा। शौर्या हाँ देखो तो मम्मा को, वाह यहाँ देखो तो शौर्या, वाह ईश। लकड़ियाँ काट के खत्म कर ली शौर्य अपने बाइक को लेके, और मैंने इसमें ये जो ड्रम काफी टाइम से इधर नीचे पड़ा था, तो इसमें कूड़ा वगैरह प्लास्टिक जो भी था। यहाँ गर्म है बेटू, ये आगे से आँच गर्म है, ये इसको नहीं पकड़ी हो। लकड़ी काट के रख ली है, 1 2 3 4, ये निचली साइड से रखी मैंने। तो अब रखती हूँ इनको भी उस साइड को। ये मैंने आज इकट्ठे इकट्ठे रखी क्योंकि काम फैल जाता है, नहीं तो बस अब मैंने उठानी और रखनी है। और नीचे का भी ख़त्म हो गया है, मैं एक बार दिखाती हूँ आपको। ये जो भी था, ये जो है ये वाली नीचे से फेंक के, ये मैंने यहीं पे जो काट के रखी है, अब इनको रखती हूँ परली साइड को।
आधी सी मैंने कल की रखी थी, आधी अभी रखी, ये पूरा हो गया है और गिरने वाला था। फिर मैंने ना थोड़ी सी बची थी लकड़ियाँ, वो मैंने ऐसे ही रख दी ऊपर, कैसे कैसे लगा के आगे पीछे से हौच पौच करके। तो ये पड़ा है जो भी वेस्ट है इसका, वो फिर जब प्रूनिंग करने वाले आएंगे तो इसी के साथ उस इसको भी उसी के साथ साफ कर लेंगे, जो भी छींटे वगैरह होगी। तो कूड़ा जल रहा है, शर आज बहुत खुश हुआ है। छोए गन्नी गन्नी बाइक लाई पापा ने, ये गन्नी है, कैसी है ये, अच्छी है कि गंदी है? नाराज हो गया। चलते ऊपर दाल। शौर्य के लिए बाइक के साथ साथ शौर्य के लिए डिश भी आई, कार्टून वगैरह देखने के लिए। डिश टीवी हमारे पास पहले भी था पर हम लोग यूज़ नहीं करते थे क्योंकि हम दो ही है और दोनों के पास फ़ोन है। और साथ में बनाई चाय प्रूनर के लिए और अपने लिए। हेलो गुड इवनिंग, मैं जा रही हूँ दूध लेने। हैं भैया आज तो रात हो गई है, लाइट अभी तक हम लोग जो है ना डिश अटैच कर रहे थे। तो पहले तो हम लोग ने मतलब जब से मतलब शौर्य हुआ 2-3 साल हो गई है तब से हम लोगों ने ना टीवी रिचार्ज नहीं करवाया। तो आज उसके पापा उसके लिए डिश ले आए और उसके लिए एक बाइक लाए। तो अभी तक वहाँ पे उलझे हुए थे, सेट तो हुई नहीं क्योंकि नेटवर्क नहीं आया। और बस तो फिर डेविड बोल रहे थे कि मैं जाऊंगा दूध लेने, फिर मैंने बोला कि मैं जाऊंगी क्योंकि पूरे दिन भर ना घर में अंदर अंदर ऊपर नीचे बस वहीं घर के आसपास ही ऐसे हो जाता है कि मतलब थोड़ा बाहर निकलना था। बस एक यही टाइम होता है जब हम तो क्या मैं जब मैं बाहर निकलती हूँ। बाकी आज जो है प्रूनर भी यहीं पहुंच गए हैं घर वाले खेत में, 1 2 3 4 चार खेत की प्रूनिंग करके आ गए हैं आगे से। तो अब तो उनके साथ जाऊंगी कल से, अच्छा हो गया है मेरे लिए। खाना खुना सुबह बना के चल जाया करूँगी। तो आज भी मेरे कल रात को मैंने दाल डाल दी थी उनके लिए, सुबह 10 बजे ही चौंक वगैरह लगा के तैयार कर दी थी। फिर 11:30-12 बजे रामपुर से पहुँचे। तो उसके बाद डेविड ने चावल बनाए, मेरे को थोड़ी सी लकड़ियाँ रहती थी काटने को, मैंने वो काटी। फिर क्या, फिर ऐसे ही थे, डेविड खाना लेके गए, मैं घर में थी, शौर्य को सुलाया। फिर दिन को ऐसे ही थोड़ी बहुत यूट्यूब के लिए रील वील बनाई और आज रात ज़्यादा हो गई है तो यहाँ से व्यू भी नज़र नहीं आ रहा है, मेरे दांत दिख रहे हैं गंदे से, दांत तो अच्छे हैं पर अब भी पता नहीं कैसे दिख रहे हैं, काले काले चमकीले। हाथ में जमने वाली है बर्फ। और मेरे साथ क्या हुआ कल, जो मैंने आज सुबह वीडियो अपलोड की यूट्यूब पे, उसके लिए बड़े बड़े 2-3 दिन से मेहनत कर रही थी। मतलब मेरे ना फ़ोन में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, शायद कोई डाटा नहीं चल रहा है और क्या बताऊँ। और एक बार तो पूरी अपलोड करके फिर पता नहीं कैसे वो डिलीट हो गई, अब उस पर कॉपीराइट आ गया है। तो शायद स्टार्टिंग का मैंने उसमें जो वो करने को आता है सेगमेंट कुछ करके आता है वो, तो उसमें मैंने म्यूट डाल दिया, तो शायद मेरी स्टार्टिंग में वॉइस नहीं आएगी। आई होप आप लोग मैनेज कर लोगे, पर देखती हूँ इसमें फिर बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं डालूँगी क्योंकि जिसमें मैं डालती हूँ उसमें कॉपीराइट लग जाता है। तो अब घर जाऊंगी, खाना वाना बनाऊंगी, सो जाऊंगी,
मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। मैं पहुँच गई हूँ दूध लेने। तो वो जो लाल लाल दिख रहा है वो लगी है आग, पता नहीं क्या बोलते हैं यहाँ पे, मुझे नहीं आता गांव का नाम। तो आजकल इतना सूखा हो गया है ना कि मतलब कहीं पे भी देखो आप लोग तो आग 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 रहती है। अब मैं चल पड़ी वापिस। एक बाल्टी लेके आई थी, दो के दो लेके जा रही हूँ क्योंकि एक मैं दीदी ने दी लस्सी, ये मेरे टफी के काम आएगी क्योंकि वो सूखी रोटियाँ नहीं खाता है, उसको चाहिए होता है कुछ भी। मैं कभी उसको दूध देती हूँ, कभी उसको दाल देती हूँ ऐसे। तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जो भी नया है प्लीज़ सब्सक्राइब तो करके जा ही सकते हो। बाय बाय। खाना खुना खाने के बाद जो है आधे कर घंटे में खेली शोरे के साथ और फिर सो गए। बाय बाय।